नमस्कार दोस्तों, गो पूजन। गो पूजन हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यवर होता है। सभी जानते हैं गो माता होती है, जिसे हम हिंदू धर्म में पूजने कहते हैं। 36 करोड़ देवी देवता गो माता में समाये हुए हैं। यदि हम गो माता की पूजा करते हैं तो गो माता की पूजा करने का सबसे अच्छा साधक होता है कि जिन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति के बाद वह निराहार रहकर गौ माता की पूजन करती हैं। गौ माता की पूजन करके वह उस पुत्र के लिए कान्हा जैसा, जैसे भगवान कृष्ण हैं, उनका ध्यान करके अपने बेटे को नाम से रखकर गौ माता का पूजन करती हैं, ताकि उनकी जिंदगी में भी वह फल आए जो माता यशोदा के जीवन में आया था। इसलिए गौ माता का पूजन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि यशोदा माँ भी गौ माता की पूजा करती थी, और गौ माता की पूजा करना उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था। और कान्हा उन्हें परेशान करने के लिए सारे बछड़ों को खो दिया करते थे, और फिर बछड़े खुल गई ये कहकर भाग जाते थे, और माता ये कहकर कि वह यमुना तट पर न चला जाए, इसलिए सभी को बोल दिया करती थी कि कान्हे को देखते रहना, क्योंकि वह कान्हा कुछ ज़्यादा ही नटखट है। तो इसलिए ये कहानी बोली जाती है। जब भी ये कथा पढ़ी जाती है तो गौ माता की पूजन इस पर समाप्त होती है। जो भी स्त्री या पुत्र की प्राप्ति है, गौ माता और बछड़े की मिट्टी के द्वारा मूर्तियां बनाती हैं, और मूर्तियां बनाने के बाद उनकी पूजा करती हैं। गौ माता की पूजा इस विधि के अनुसार होती है। उसमें सामग्री कपूर, लोहार, लौंग और इन चीज़ों को सामग्री में लिया जाता है। इससे हम माता की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद अपने पुत्र से भी पूजा करवाते हैं, और उसके बाद वह निराहार के बाद जल पीती हैं और उस व्रत को समाप्ति देती हैं, माना जाता है। आजकल के युग में गौ माता की पूजा सभी लोग भूलते ही जा रहे हैं, लेकिन गौ माता का पूजन करना सबसे खास माना जाता है। गौमूत्र अपने घर में दिवाली के दिन पर अपने घर पर छिड़काव करते हैं तो वह भी पवित्र माना जाता है, यह भी हमारे लिए खास माना जाता है। तो यह है गौ माता पूजन की सही कार्य। यदि आप गौ माता पूजन करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे या हिंदू धर्म में कर सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।